नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयियाणं नमो वजायाणं नमो भुवि सव्यसानं जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति श्री आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखी हुई यह चिट्ठी रहस्यपूर्ण चिट्ठी के नाम से प्रसिद्ध है। सच में आत्मानुभूति संबंधी रहस्यों की चर्चा जिसमें हो ऐसे रहस्यों से परिपूर्ण यह चिट्ठी है। स्वानुभव दशा का वर्णन चल रहा था। स्वानुभव दशा में क्या स्थिति बनती है ज्ञान की, पहले तो सविकल्प और निर्विकल्प दशा का वर्णन किया और बताया कि उपयोग सभी जगह से हटकर पांचों इंद्रियों और मन के माध्यम से प्रवृत्ति करता हुआ वहां से हटकर जब उपयोग अपने ज्ञायक स्वभाव में रमता है तो ऐसी दशा स्वानुभव कहलाती है और यह स्वानुभव दशा विकल्पातीत होती है। इस स्वानुभव दशा में विकल्प नहीं होते, किसी भी चीज के संबंध में उठने वाले विकल्प उस चीज के आनंद को धो डालते हैं। क्या यदि किसी चीज के आनंद लेते समय उसके बारे में विकल्प खड़े हो गए ना, तो वह आनंद जाता रहता है। ऐसा ही स्वरूप है, ये वस्तु स्वरूप है। इसी प्रकार का यदि आप बादाम का हलवा खाते समय बादाम की कीमत देखने लगो क्या, तो फिर हलवे का स्वाद नहीं आएगा। किसी भी चीज के बारे में माने जो स्वाद है, जो वेदन है, जो अनुभव है, वो जब होता है सही मायने में, सही अनुभव, परिपूर्ण अनुभव, और उसमें जो परिपक्वता है वो विकल्पातीत होने पर ही होती है। जब लौकिक वस्तुओं के आनंद में भी जो कि काल्पनिक आनंद है, जो कि भ्रम रूप आनंद है, उसमें भी हमारे को विकल्प नहीं चाहिए। अब विकल्प मत करो, कैसा बोल भी देते हैं हम लोग आपस में चर्चा करते समय, अब विकल्प मत करो साहब, जो हो गया जो हो गया, अब बस ठीक है। अब क्या कह रहे हो आप लौकिक आनंद के लिए? तो आप सोचिए, जहां पारलौकिक आनंद का प्रसंग हो, जहां आत्म अनुभूति का प्रसंग हो, जहां ऐसे सुख की चर्चा चलती हो जो सुख किसी मिथ्या दृष्टि जीव को संभव नहीं है, ऐसे सुख की बात चलती हो जिस सुख का उपभोग समव शरण में बैठे तीर्थंकर परमात्मा भी करते हैं, भगवान महावीर आदिनाथ स्वामी जिस आनंद का अनुभव कर रहे थे, तो वो आनंद विकल्पों की भूमिका में कैसे हो सकता है? इसलिए उस आनंद के लिए निर्विकल्पता तो अनिवार्य है। प्रश्न उठाया, जिज्ञासा है, ऐसा उस स्वानुभव दशा में आत्मा प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है? अब यदि तुम ये कहते हो कि आत्मा प्रत्यक्ष होता है, तो हम ये कहेंगे ज्ञान तो तुम्हारे परोक्ष है, बोलते हो प्रत्यक्ष होता है। तुम्हारे ज्ञान कौन से है? मति श्रुत। बोले मति श्रुत तो परोक्ष है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है, तो परोक्ष ज्ञान के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव कैसे हो सकता है? इस तरह का कुछ प्रश्न
मुल्तान नगर निवासी लोगों ने अपने पत्र में भेजा, ऐसी जिज्ञासा रखी कि साहब आत्मा तो अतिंद्रिय है, अतिंद्रिय ज्ञान का विषय है और वर्तमान में हमारे इंद्रिय ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति इंद्रिय आदि के माध्यम से होती है, तो फिर मतिश्रुत ज्ञान के माध्यम से आत्मा कैसे पकड़ में आएगा। इसलिए वर्तमान भूमिका में आत्मा की अनुभूति संभव नहीं है, यह जिज्ञासा एक प्रकार से कुछ लोगों के मन में उत्पन्न हुई। तो टोडरमल जी साहब ने बतलाया भाई दो तरह की बात है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान परोक्ष भी है और मति श्रुति ज्ञान प्रत्यक्ष भी है, इनको प्रत्यक्ष भी कहा जाता है और इनको परोक्ष भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष संबंधी जो वर्णन शास्त्रों में मिलता है वो दो तरह से मिलता है, एक न्याय शास्त्रों के अनुसार मिलेगा और एक अध्यात्म शास्त्रों के अनुसार मिलेगा। तो जहां मति श्रुत को परोक्ष और सुनो अवधि मने परिय केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष ऐसा कहा गया हो, ये सिद्धांत शास्त्रों की बात है, अध्यात्म की बात है। कुछ इसमें भी क्या स्थिति है कि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान को स्वानुभव प्रत्यक्ष कहना ये अध्यात्म शैली है, और जब न्याय शास्त्रों की अपेक्षा से बात करते हैं तो न्याय ये कहता है कि प्रत्यक्ष भी दो तरह के होते हैं और परोक्ष अलग तरह का होता है। मैंने कही थी कुछ शब्द आपने पढ़े क्या सुने क्या है? कुछ चर्चा की आपने है कौन से साम्यवारिक प्रत्यक्ष पारमार्थिक प्रत्यक्ष दो ही पढ़े, एक और होता है तीसरा वो है स्वानुभव प्रत्यक्ष। पारमार्थिक प्रत्यक्ष और साम्यवारिक प्रत्यक्ष, ये दो प्रत्यक्षों की चर्चा न्याय शास्त्रों में आती है लेकिन अध्यात्म ग्रंथों में स्वानुभव प्रत्यक्ष की चर्चा भी मिलती है। अनुभव में जो प्रत्यक्ष आ रहा है वो तो अलग ही है। देखो भाई एक अंधा व्यक्ति मिश्री खाए और एक आंखों से मिश्री को देखता हुआ मिश्री खाए, मिश्री का स्वाद तो दोनों को ही प्रत्यक्ष है। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, इसको तो परोक्ष है और उसको प्रत्यक्ष है, वो देख करके खा रहा है, मिश्री कैसी होती है और ये बिना देखे खा रहा है। नहीं अगर स्वाद स्वाद में कहां फर्क है, बस ऐसा ही समझ लीजिए आप, जो छद्मस्थ हैं, जो गृहस्थ हैं, जो चतुर्थादि गुणस्थान वाले हैं, चौथे पांचवें वाले समझ लो आप, छठे सातवें वाले भी, तो इन लोगों की स्थिति कैसी है, बिना आंख वाले के समान, बिना आंख वाले मिश्री खाए उसके समान, और केवल ज्ञान वाले कैसे हैं कि वो आंख वाले, उनको आत्मा का प्रदेश प्रदेश दिखता है, दिख करके वेदन है और इनको दिखता नहीं है, इतना सा फर्क है, दिखने और नहीं दिखने का फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। यहां इन्होंने ऐसा भी कह दिया था सम्यक्त्व की अपेक्षा से तो कोई अंतर नहीं है। देखो पढ़ता हूं पुनः पुनः पढ़ते हैं, कल चर्चा थोड़ी बहुत की है उसी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए जरा 344 पेज पर, तथा तुमने प्रत्यक्ष परोक्ष का प्रश्न लिखा है, ठीक है ना। सो भाई जी प्रत्यक्ष परोक्ष तो सम्यक्त्व के भेद है नहीं, ये सम्यक दर्शन के भेद नहीं है, प्रत्यक्षपना और परोक्षपना किसके भेद है फिर, ये ज्ञान के भेद है। जानने में प्रत्यक्ष परोक्षपना हो सकता है, फीलिंग में प्रत्यक्ष परोक्षपना नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे परोक्ष फीलिंग हो रही है। क्या कभी कभी परोक्ष स्वाद भी आता है क्या किसी चीज का, स्वाद स्वाद में प्रत्यक्ष परोक्ष का कहां सवाल है कि नहीं, जिसको आंख से नहीं दिख रहा है उसको तो मिश्री का स्वाद परोक्ष है, तो स्वाद परोक्ष नहीं है क्या, मिश्री कैसी होती है ये उसका रंग रूप कलर कैसा होता है ये परोक्ष है क्या,
स्वाद तो वही फीलिंग है। अच्छा मैं कहता हूं चलो आपकी आंखें हैं ना, आप एक बार खुली आंखों से मिश्री खाओ और एक बार आंखें बंद करके मिश्री खाओ, अब क्या फर्क हुआ? खुली आंख से मिश्री खाने में और आंख बंद करके मिश्री खाने में है? जब आंख से देख करके खाएंगे तो थोड़ा ज्यादा मजा आएगा, आंख बंद करके खाने में ज्यादा मजा आएगा भाई, आनंद में कोई स्वाद में कोई फर्क नहीं। अच्छा चलो इस बात को मैं दूसरी तरह से पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ घर में बनी है पकौड़ियाँ क्या और उन्होंने आपको चखाने के लिए दी कि बताओ इसमें नमक कैसा है, तो आप आंख खोल के खा करके बताओ तो अलग तरह से बता पाओगे और आंख बंद करके यदि उसका नमक का स्वाद बताना हो तो अलग बता पाओगे, ऐसा है? एक ही आएगा वो जो नमक, नमक का जो स्वाद है वो नमक का स्वाद खुली आंख और बंद आंख से एक जैसा ही आएगा ना, आंखें खुली हो या वो बंद क्या फर्क पड़ता है उससे, आंख खुली हो या बंद हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अनुभूति में क्या चल रहा है, फील क्या कर रहे हो आप, वो महत्वपूर्ण बात है। यहां देखो क्या कहा इन्होंने, सम्यक्त्व के भेद नहीं है प्रत्यक्ष परोक्ष, चौथे गुणस्थान में सिद्ध समान, ओहो सिद्ध समान कितना बार बार में बोलते हैं, चर्चा का विषय बनता है, लेकिन क्या आप फील कर रहे हैं ये चीज क्या है सिद्ध समान? चौथे गुणस्थान में सिद्ध समान चायिक सम्यक्त्व हो जाता है, इसलिए सम्यक्त्व तो केवल यथार्थ श्रद्धान रूपी है। कितना रोमांच आना चाहिए इस बात को देख करके कि ये जीव सिद्ध समान एक ही लेवल पर एक ही कैटेगरी में, दोनों में कोई फर्क नहीं है, उस सम्यक्त्व की अपेक्षा से चौथा गुणस्थान घर गृहस्थी का रहने वाला व्यक्ति और उसी सम्यक दर्शन की अपेक्षा से शायद सम्यक्त्व की अपेक्षा से सिद्ध परमात्मा, बोले रंच मात्र फर्क नहीं है, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, नहीं क्वांटिटी में भी नहीं है, न क्वालिटी न क्वांटिटी, सम्यक्त्व की चर्चा है आनंद की नहीं, क्या यहाँ तो कल मैंने कही थी एक सब्जेक्ट की बात है, कल मैंने कही थी मैथ्स की बात है, यहाँ तो 100% है श्रद्धा, इसमें ना क्वालिटी में फर्क है ना क्वांटिटी में फर्क है, क्या बात कर रहे हो साहब, क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं है कि? हाँ जी बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, आनंद की क्वालिटी में नहीं क्वांटिटी, आनंद की मात्रा उसमें फर्क है, आनंद की मात्रा में फर्क है, इसने स्वाद चखा है, इसने सैंपल देखा है खाने को, वहां खाने मुनिराज के लिए कह दिया, मुनिराज भोगते सुख की खान, मुनिराज ये सुखों की खान भोगते हैं, तो बात तो सिद्धों की चल रही है, लेकिन देखो क्षायिक सम्यक्त्व क्या गजब चीज है, क्षायिक सम्यक्त्व, इसलिए कभी कभी ऐसा आश्चर्य लगता है जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि क्षायिक सम्यक दर्शन भले ही हो चौथा गुणस्थान है तो आत्मा की अनुभूति नहीं है, तो एकदम ऐसा लगता है क्षायिक सम्यक्त्व सिद्ध जैसा है और तुम कह रहे हो अनुभूति नहीं है, ये जचती नहीं है बात। इसी चिट्ठी में पंडित जी ने साफ साफ लिखा है चौथे गुणस्थान में आत्मा के अनुभव की बात, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों के अंदर लिख दिया, चौथे गुणस्थान के अंदर आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव कौन से गुणस्थान में होता है 347 पे देखो, चौथे ही से होता है, अब बोलो इससे ज्यादा क्या कहें, ऐसा में होता है ऐसा अनुभव चौथे से होता है भाई साहब, चौथे से होता है, और चौथा मतलब गृहस्थ, चौथा मतलब घर गृहस्थी वाला, चौथा मतलब कपड़े लगते व्यापार रोजगार वाला, बस वही तो बात है क्या? अरे भाई साहब कोई भी लिखे वही लिख सकता है जिस जिसको अनुभव हुआ हो, क्या जिसने अनुभव किया हो वही कह सकता है, तो सफेद कपड़े वालों को होगा कि काले कपड़े वालों को भी हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है यार, क्या भेद करते हो आप, कपड़ों से भेद पड़ता है क्या? आप सफेद और काले कपड़ों की बात करोगे तो हम सफेद चेहरा और काले चेहरे की बात करेंगे है, फिर क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो आप क्या कह रहे हैं यहाँ, श्रद्धान देखो चाहे सम्यक्त चौथा सिद्ध एक समान, चमत्कार हो गया।
अभूतपूर्व क्रांति हो गई। अरे ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा टाइम का ही फर्क है, एक शायद सम्यक तो हुआ है और ये गया, ये आया और ये सिद्ध, बस खत्म, इतना सा टाइम है और क्या है। शायिक सम्यक दृष्टि जीव तीन भाव, तीसरे में मोक्ष। बोलो आप क्या चाहिए आपको, उसी से चला जाए या तो उसी भाव से चला जाए, नहीं तो तीसरा और चौथा बस। अंतर मूलस्थित तो जा सकते हैं। हाँ कपड़े उतारने उतारने के बाद कपड़े पहने तो नहीं जाए, मोक्ष जाने के लिए तो उतारने ही पड़ेंगे। अरे हम तो कह रहे हैं लेकिन देखो क्या, या ये जो है ना कपड़े उतारने की बात, ये कपड़े उतारने के पहले, कपड़े उतरने के पहले अभिप्राय में से उतरना चाहिए कि ये पहनने लायक नहीं है क्या। अंदर अभिप्राय बदले तो काम होता है, अंदर का अभिप्राय नहीं बदला तो बाहरी वेश बदलने से कुछ नहीं होता है। वेश कैसे भी बदल लो आप, अभिप्राय अंदर का बदला कि नहीं बदला, जब अंदर से अभिप्राय बदलता है तो काम होता है। देखो वह जीव, वही जीव शायद सम्यक दृष्टि तीन भाव में मोक्ष जाने वाला, वही इसी भाव से मोक्ष जाने वाला, सिद्ध बनने वाला है, कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है हमारे को। एक की सगाई हो गई है और एक की शादी हो गई है, क्या दोनों ही फ्री नहीं है आपकी लड़की के लिए, है किसी और के लिए दोनों ही फ्री नहीं है भाई साहब, हो गया उनका तो संबंध, इसका संबंध हो गया है त्रिकाली के साथ में, अब नहीं घूमेगा नहीं भटकेगा, अब विषयों में ना ही रमेंगे, अब दुनिया में ना भटकेंगे, अब चतुर्गति परिभ्रमण ना करेंगे, हैं प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, क्यों अपनी खबर हो गई, गुणस्थान चौथा हो गया, अनुभूति हो गई भाई साहब, अब नहीं है देर, अब मुक्ति में अब क्या देर रे, जन्म कल्याणक की बजरी बधैया, अभी जन्म कल्याणक चल रहा है वहाँ भोपाल में, क्या इस समय इंद्र का सिंहासन कंपायमान का समय चल रहा है, बस समझ लो आप क्या हम पहुंचे निकलेंगे शाम को, ऐसा है बड़ा गजब स्वरूप है भाई, अब क्या देर है, जन्म हो गया है अब मुक्ति में क्या देर है बताओ मेरे को, क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया है तो अब देर कहाँ है, सिद्ध जैसा हो गया है, फर्क क्या है, स्विच ऑफ कर दिया आपने यहां से, अब पंखा चल रहा है, चल तो रहा है साहब, चल तो रहा है, चल रहा है रुकने के लिए चल रहा है, तुम कह रहे हो चल रहा है, हम कह रहे हैं चल नहीं रहा है, रुकने के लिए चल रहा है, रुक रहा है कि चल रहा है, चलता हुआ दिख रहा है, कनेक्शन कट गया है, ऐसा है मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का कनेक्शन जुड़ा होता है तो चतुर्गति में परिभ्रमण चलता रहता है, और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का कनेक्शन टूट जाता है तो चतुर्गति से संपर्क टूट जाता है, चलता हुआ दिखता है वो भाई, और कुछ समय चलता हुआ दिखाई देवे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, अब तो सिद्ध दशा दिख रही है उनको, क्या क्या करता है वो सम्यक दृष्टि, तो कहा शुभाशुभ कार्य करता भी रहता है, इसलिए तुमने जो लिखा था निश्चय सम्यक्त्व प्रत्यक्ष और व्यवहार सम्यक्त्व परोक्ष है, ऐसा उन्होंने लिखा चिट्ठी में, सब निश्चय तो प्रत्यक्ष होगा व्यवहार परोक्ष होगा, सो ऐसा नहीं है, सम्यक्त्व के तो तीन भेद हैं, उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व तो निर्मल है, क्योंकि वे मिथ्यात्व के उदय सहित है, रहित है, मिथ्यात्व का उदय नहीं है, क्षायिक में भी नहीं है और औपशमिक सम्यक्त्व में भी नहीं है, और क्षयोपशम सम्यक्त्व को समल कहा गया है क्योंकि वह सम्यक्त्व मोहनी का उदय होता है, परंतु इस सम्यक्त्व में प्रत्यक्ष परोक्ष के कोई भेद तो नहीं है। ठीक है साहब, अब चलते हैं आगे, यहां तक कल पढ़ा था अपन ने, आगे देखो, नहीं पढ़ा तो आगे भी था, हाँ क्षायिक सम्यक्त्वी के शुभाशुभ रूप प्रवर्तते हुए वह स्वानुभव रूप प्रवर्तते हुए सम्यक्त्व गुण तो समान ही है। अभी तक ऊपर वाली जो पंक्तियां जिनकी चर्चा अपन ने की है वहां क्षायिक सम्यक्त्व की तुलना सिद्ध भगवान से की थी, सिद्धों और क्षायिक सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाली को समान कहा था, अभी ऊपर जो पंक्तियां कही है, अभी यहां क्षायिक सम्यक्त्व चौथे गुणस्थान वाले के बारे में कह रहे हैं, वही जीव जब अलग अलग विषयों में प्रवर्तता है
तथापि सम्यक्त्व में कोई फर्क नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये कह रहे हैं आप यदि बिजनेसमैन हैं क्या, तो मंदिर में आए हो तब भी बिजनेसमैन हो, मंदिर में बिजनेस मत करना। मंदिर में भले ही नहीं करते लेकिन बिजनेसमैन तो है ही। आप क्या करते हो, आपका बिजनेस है, सर्विस है, आप सर्विस करते हैं, तो यहाँ बैठे बैठे भी सर्विस वाले हमेशा सर्विस ही है उनका, तो कहना आप क्या करते हैं। देखो आप जिसकी जिसके साथ में फीलिंग होती है उसका कथन उसी प्रकार का होता है। मैं आपको कहता हूँ, मैं कई बार अनुभव करता हूँ, ऐसा फील करता हूँ, हमारे विद्यार्थी वगैरह शास्त्री करने के बाद निकल जाते हैं कहीं इधर उधर, फिर बाद में कभी मिलते हैं साल दो साल में, तो हमने पूछा और भाई क्या कर रहे हो, तो पता है क्या जवाब देते हैं, भाई साहब बीएड कर रहा हूँ, भाई साहब एमबीए कर रहा हूँ। क्या, तो मैं उनसे पूछता हूँ एमबीए कर रहे हो कि मेरे से बात कर रहे हो, क्या बीएड कर रहे हो कि सामने खड़े हो। लेकिन देखो आप वो साल भर तक चलने वाली बीएड, इतने लंबे टाइम तक चलने वाला कोई भी कोर्स, उसके साथ में इस तरह की फीलिंग होती है, ऐसी अभेद अनुभूति होती है, क्या कर रहे हो, बोले एमए कर रहा हूं, क्या कर रहे हो, बोले जैन दर्शनाचार्य कर रहा हूं, आचार्य कर रहा हूं, क्या कर रहे हो, आप क्या करते हो, तो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, इसका जवाब क्या होता है बताओ। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है, रोटी नहीं खाते आप, आप क्या करते हो, ये साहब सोता भी हूं, आप क्या करते हो, ये साहब नाता धोता भी हूं। लेकिन एक कैसी फीलिंग होती है उस चीज के साथ में, एक चीज के साथ में अपनी पूरा अनुभूति उसी तरह की, वही फील कर रहा है, वही फील कर रहा है। मैं कह रहा हूं जब लौकिक में काम करने वाले हम लोग सब इस तरह की फीलिंग करते हैं, तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को प्रत्येक कार्य करते समय मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूं ये अनुभूति क्यों नहीं हो सकती है? ये फीलिंग, ये श्रद्धा प्रतीति की अपेक्षा से बात करता हूं, ये जो कह रहा हूं ना मैं त्रिकाली ध्रुव की अनुभूति में वो चीज चल रही है, अनुभूति में का मतलब वो आत्म अनुभूति वाली बात नहीं कर रहा, प्रतीति स्वरूप बात कर रहा हूं। वो अनुभूति तो कभी कभी होगी लेकिन प्रतीति में वही चल रहा है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, बार बार में प्रश्न खड़ा नहीं करना पड़ता और बार बार में जवाब नहीं देना पड़ता, हर समय शुभ अशुभ में प्रवर्तते समय और स्वानुभव के काल में भी, तीन शब्द दे दिए यहां, शायद सम्यक तरीके शुभ अशुभ रूप प्रवर्तते हुए व स्वानुभव रूप प्रवर्तते हुए, इसका मतलब स्वानुभव में हो या स्वानुभव के बाहर आ जाएं, पहले भी आई थी ना इस तरह की चर्चा, अनुभूति से बाहर निकलने के बाद भी सम्यक्त्व कायम रहता है। और मानो शिष्य ने ऐसा प्रश्न उठाया कि भाई ये अनुभूति से बाहर आ जाने के बाद में सम्यक्त्व कैसे कायम रहता है, तो सम्यक्त्व इसलिए कायम रहता है क्योंकि सम्यक्त्व बाहरी प्रवृत्ति का नाम नहीं है, सम्यक्त्व अंतरंग में अपनेपन की प्रतीति का नाम है जो मेंटेन रहती है, अपने में अपनेपन की प्रतीति ये मेंटेन रहती है धारा प्रवाह रूप से, कंटिन्यूस चल रही है, कभी नहीं भूलते हैं वो, निरंतर नॉन स्टॉप बहती है वो धारा अंदर में, उसकी बात है यहां। इसलिए सम्यक्त्व गुण तो समान ही है, इसलिए सम्यक्त्व के तो प्रत्यक्ष परोक्ष भेद, सम्यक दर्शन के तो प्रत्यक्ष परोक्ष भेद मत समझना, ये गलत फहमी है। तो फिर साहब आप ही बता दो प्रत्यक्ष परोक्ष क्या है, सम्यक दर्शन में तो नहीं लागू होते हैं, तो फिर प्रत्यक्ष परोक्ष कुछ होता तो है ना, शास्त्रों में पढ़े हैं हमने, तो सुनो अप्रत्यक्ष परोक्ष समझाते हैं, प्रत्यक्ष क्या होता है और परोक्ष क्या होता है, तथा प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद है, और सो प्रमाण सम्यक ज्ञान है, प्रमाण के भेद है प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रमाण क्या है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञानम प्रमाण, सम्यक ज्ञान प्रमाण है। इसलिए मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है, अवधि मन है पर्य
केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। अभी नाम भी हटा दो और प्रत्यक्ष और परोक्षपना भी हटा दो तो प्रमाण है, प्रमाण है, ये बात निकलेगी। इसका मतलब पांचों ज्ञान प्रमाण है। प्रमाण है माने, और सम्यक ज्ञानम प्रमाणम कह दिया, इसका मतलब ये सब ज्ञान है जिनको प्रमाण कहा जा रहा है, ये सब सच्चे ज्ञान है। तत्प्रमाण है, ऐसा सूत्र दिया। फिर कहा आगे, आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत। आद्य परोक्षम शुरू वाले, आद्य मतलब शुरू के दो, मति और श्रुत वो परोक्ष हैं, और प्रत्यक्षम अन्यत, अन्य जो बच गए हैं माने अवधि माने पर्य और केवल ज्ञान, वो प्रत्यक्ष। उसमें भी फिर अवधि और मने पर्य को देश प्रत्यक्ष कह देते हैं, थोड़ा बहुत प्रत्यक्ष जानते हैं, और केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष कह देते हैं क्योंकि सब कुछ प्रत्यक्ष जानते हैं, भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलकता है स्पष्ट। दौलतराम जी ने एक एक लाइन में बहुत सुंदर इन तीनों का समाधान कर दिया। मति श्रुत दो ये परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही, अवधि ज्ञान मन पर जय दो है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिए स्वच्छा, और सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवल ही भगवंता। क्या सुंदर स्पष्ट शब्दों में कह दिया है उन्होंने, एक ही काल में प्रकट केवल ही भगवान जानते हैं, वे सकल प्रत्यक्ष वाले हैं, अवधि और मने पर ये देश प्रत्यक्ष वाले हैं, और मति और श्रुत ये परोक्ष हैं। ये साहब प्रत्यक्ष किसे कहते हैं और परोक्ष किसे कहते हैं ये भी थोड़ा सा समझा दो हैं। तो इन्होंने कहा देखो, तर्क शास्त्र में प्रत्यक्ष परोक्ष का ऐसा लक्षण कहा है, तर्क शास्त्र में प्रत्यक्ष परोक्ष का लक्षण क्या कहा है, न्याय शास्त्रों की बात है, तर्क शास्त्र माने न्याय शास्त्रों में, न्याय के ग्रंथों में, स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्षम और स्पष्टम परोक्षम। स्पष्ट जानना वो प्रत्यक्ष है, और अस्पष्टम परोक्षम, अस्पष्ट जानना वो परोक्ष है। जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्टतया भली भांति जाने सो प्रत्यक्ष। कौन है प्रत्यक्ष और परोक्ष? ज्ञान। जो ज्ञान अपने विषय को माने जिसका जो विषय है, मति ज्ञान जिस विषय को जान रहा है, श्रुति ज्ञान जिस विषय को जान रहा है, अवधि ज्ञान जिस विषय को जान रहा है, मने पर ज्ञान जिस विषय को जान रहा है, केवल ज्ञान जिस विषय को जान रहा है, तो जो स्पष्ट जानेगा इनमें, जानने में अपने विषय को, उसे कहेंगे प्रत्यक्ष, और जो अस्पष्ट जानेगा उसे कहेंगे परोक्ष। भली भांति जानता है, निर्मल जानता है, स्पष्ट जानता है सो प्रत्यक्ष, और जो स्पष्ट भली भांति न जाने सो परोक्ष। ठीक है, अब कह रहे हैं वहां, ये तो परिभाषा हुई, स्पष्ट जानना और अस्पष्ट माने क्लियरिटी की बात है, कुल मिला करके कितना क्लियर जानने में आ रहा है, जितनी क्लियरिटी है उतना प्रत्यक्ष है, और जहां क्लियरिटी नहीं है वो परोक्ष है। आत्मा के अनुभूति के काल में भी वो आत्मा क्लियर नहीं है, क्या? क्योंकि मति श्रुत ज्ञान है ना, वो क्लियर नहीं है, माने आत्मा दिखता नहीं है, क्लियरिटी नहीं है आत्मा की, गुणधर्म शक्तियां आदि सब कुछ, इसलिए उसको परोक्ष कह दिया जाता है। लेकिन एक स्वानुभव प्रत्यक्ष अध्यात्म शास्त्रों में मिलता है, उस अपेक्षा से बोले अनुभव की दृष्टि से देखो तो अनुभव प्रत्यक्ष। देखो क्या कहा, वहां मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के विषय तो बहुत है,
परंतु एक भी गेय को संपूर्ण नहीं जान सकता, इसलिए परोक्ष कहे। मतियान और श्रुतियान को परोक्ष क्यों कहा? विषय तो बहुत है, देखना क्या कहा ये, मतियान श्रुतियान के विषय तो बहुत है, अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान के विषय थोड़े हैं, तथापि अपने विषय को स्पष्ट भलीभांति जानता है, इसलिए एक देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सर्व ज्ञेय को आप स्पष्ट जानता है, इसलिए सर्व प्रत्यक्ष है। कुछ बात समझ में आई क्या? क्या कह दिया यहाँ? हम लोगों का ज्ञान अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान की तुलना में हम लोगों के ज्ञान का विषय ज्यादा है। क्या कहीं कहीं मिलती है ऐसी चर्चा? जो इन्होंने लिखा वही कहा मैंने, वापस पढ़ता हूं, देखो वापस क्या लिखा है इसमें। ये कहते हैं अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान का विषय थोड़ा है, और मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का विषय बहुत है। हमारे मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान हमें लगता है हम कम, हमारे कम है, और अवधि ज्ञान और मने पर ज्ञान ज्यादा होता होगा। नहीं नहीं भैया, क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय सिर्फ रूपी पदार्थ है, और मन इसका मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का विषय रूपी तो है ही, अरूपी भी है, विषय तो इसका ज्यादा है मति श्रुति ज्ञान का, किंतु स्पष्टता अवधि ज्ञान में ज्यादा है। क्लियरिटी कौन मति ज्ञान श्रुति ज्ञान जानते हो ना? हाँ आप जानते हो ना? अच्छा आपको पता है ना कि धर्म द्रव्य नाम का द्रव्य है, पता है ना अपने को? तो कैसे जाना आपने बताओ? हजम से जाना है ना अपने, मति शुद्ध ज्ञान से जाना है ना, तो मति शुद्ध ज्ञान से जान रहे हैं हम, तर्क से जानते हैं, युक्ति से जानते हैं, अनुमान से जानते हैं, आगम से जानते हैं, ये सब हम जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मति शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ये बातें पकड़ में आ रही है, अवधि ज्ञान का विषय नहीं, प्रत्यक्ष नहीं जान रहे, वो दिख नहीं रहे। धर्म द्रव्य हमारे को आंखों से नहीं दिख सकता, केवल ज्ञान में वो धर्म द्रव्य के प्रदेश भी दिखते हैं। इसलिए उन्होंने कहा ना धर्मा धर्मयो कृत्स्ने, ऐसा एक सूत्र दिया, तिल में तेल की तरह धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे लोक व्यापी है, स्पष्ट दिख रहे हैं। कितने प्रदेशी है? बोले असंख्या प्रदेशी है, असंख्या प्रदेशः धर्मा धर्मेक जीवानाम, धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो कैसे देखा था ये? केवल ज्ञानी उन्हें देख करके बतलाए, केवल ज्ञानी देखते हैं जानते, कोई दिक्कत नहीं। सही खबर होनी चाहिए अपने को, ये तत्वार सूत्र याद किया था बहुत लोगों ने, तो ये सूत्र याद आने चाहिए, पांचवें अध्याय का है तो, क्योंकि सूत्र समय पर याद नहीं आए तो फिर याद करने का क्या मतलब है? पैसा समय पे काम नहीं आए तो उस पैसे का क्या काम, क्या मतलब? कंठ की विद्या है, तो कंठ की विद्या तो कंठ से निकलनी चाहिए ना। देखो क्या कहा इन्होंने, स्पष्ट अस्पष्ट इसकी अपेक्षा से फर्क है। मति श्रुति ज्ञान जानते तो बहुत है, विषय बहुत है, परंतु एक भी गेय को संपूर्ण नहीं जान सकते। ये कमजोरी है मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की, डेप्थ में नहीं जा सकते, गहराई में नहीं जा सकते। अरे मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की कितनी कमजोरी है, एक विषय को देखे तो उसके सब कलर्स नहीं देख सकता, हमने कही थी ना ये बात, इसके सारे कलर नहीं देख सकता एक साथ, एक ही दिखेगा, उसकी बारीकी में नहीं जा सकता। हम मोटा मोटा देख पा रहे हैं कि ये क्या है साहब, कि ये किताब है, क्या ये जान लिया हमने, एक किताब है बस इतना सा जान लिया, ये क्या है बोले मोबाइल है, ये क्या है बोले माइक है, कितना मोटा मोटा जान ले। अब इस माइक में क्या क्या है, इसमें कितने पुद्गल परमाणु है, उसमें कौन सा पुद्गल परमाणु किधर से किधर जा रहा है, कितने पुद्गल परमाणु इसमें से निकल रहे हैं, कितने पुद्गल परमाणु इसमें आ रहे हैं, हमें नहीं दिखता। शरीर में से अनंत पुद्गल परमाणु प्रति समय बाहर निकल रहे हैं, शरीर में से अनंत अनंत पुद्गल परमाणु शरीर में आ रहे हैं, प्रति समय अनंत पुद्गल परमाणुओं का निकलना और वापस आना ये बराबर चल रहा है, निरंतर चल रहा है, हर समय नॉन स्टॉप चल रहा है।
यदि ये नहीं चलता हो तो आप कहते हैं साहब वजन बहुत बढ़ गया, कौन सी तारीख को बढ़ा था, कितने बज के कितने मिनट पे बढ़ा था बताओ, कितने बजे बढ़ गया था, ये पता ही नहीं लगा साहब कब बढ़ गया है, पता ही नहीं लगा। तोलने में पता लगता है आपको, जब तुलते हैं ना तो मालूम चलता है कि हाँ भाई बढ़ गया, फिर तो नहीं बढ़ा कब एग्जैक्टली रोज क्या हर समय आनंद पुष्कर परमाणु आ रहे हैं, हर समय आ रहे हैं वो लोग, हर समय परमाणु निकल रहे हैं। जब आने वाले परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती है, निकलने वालों की कम होती है, तो वजन बढ़ जाता है, और जब निकलने वालों की ज्यादा होती है और ग्रहण करने वालों की कम होती है तो कम हो जाता है। कौन बढ़ाए और कौन घटाए है, तुम्हें दिखते हैं पुष्कर परमाणु, कहते हैं मैंने वेट थोड़ा सा हमने कम कर लिया, हमने ज्यादा कर लिया, तुम हो कौन कम ज्यादा करने वाले, तुम्हारी चलती है इनमें नाम कर्म का ठेका ले लिया, नाम कर्म का ठेका ले रखा है, शरीर हमारे कंट्रोल में चलता है, यही तो था वस्तु स्वरूप, और क्या वस्तु विचार से ध्यान दे, हर समय इस तरह का वस्तु विचार करते रहो, मेरे वजन बढ़ाने से बढ़ता नहीं है, मेरे खूब ऊपर से घिसने से सफेद होता नहीं है, चेहरा चमकता नहीं है, दांतों को कितना घिसे ये पीले से सफेद हो जाए कि मोतियों जैसे चमकने लगे, अब वो क्या पता घिसने से चमक आएगी कि चमक चली जाएगी, योग्यता पे डिपेंड करता है। तो अवधि ज्ञान में ये दिखता है, क्या दिखता है, पुद्गल परमाणु आने और जाने वाले, इतना बारीकी से सूक्ष्मता से अवधि ज्ञान में दिखता है। मैं कई बार कहता हूं सर्वावधि परमावधि ज्ञान वाले, ऐसे अवधि ज्ञान वाले वे लोग हमारे आत्म प्रदेशों के साथ में जुड़े हुई कारवाण वर्गणाओं को देख लेते हैं। इस स्वाध्याय आदि के काल में हमारे कर्मों में जो संक्रमण हो रहा है, कर्मों में जो आकर्षण हो रहा है, जो झटके से घिर रहे हैं, धूल झाड़ों जैसे झड़ते हैं, ऐसी जो पोजीशन चल रही है अंदर में उतार चढ़ाव, ये सब अवधि यानी देख करके कहेगी और क्या हो रहा है, इसके गजब हो गया है, प्रायोग के लब्धि के काल में क्या होता होगा, क्या एक जीव क्षयोपशम लब्धि वाला वस्तु स्वरूप का विचार करने की भावना से जनवाणी सुनने के लिए आकर के बैठा, पहले क्षयोपशम लब्धि वाला था, परिणाम मंद हुए विशुद्धि लब्धि वाला हुआ, गुरु की देशना सुनने लगा, मुनिराजों की देशना सुनने लगा, उपदेश सुनने लगा, संतों की देशना को सुनकर के उसके परिणाम उत्तर उत्तर उज्ज्वल बढ़ने लगे, अंदर में परिणाम बढ़ रहे हैं, देशना लब्धि से प्रायोग के लब्धि की तरफ चला गया, अब कर्मों की जो स्थिति आदि है वो अंत्य कूड़ा कूड़ी सागर प्रमाण रह गई, अब ये कर्मों की स्थिति अंत्य कूड़ा कूड़ी सागर प्रमाण रह गई तो बोले अवधि ज्ञान के पकड़ में आ रहा है, तुम्हारे पकड़ में नहीं आ रहा स्थिति, और ये और फटाफट कर्मों में जो उथल पुथल हो रही है, उथल पुथल मच रही है, क्यों, क्योंकि स्पीड से बढ़ रहा है आगे, क्षयोपशम विशुद्धि देशना प्रायोग, और ये बढ़ते बढ़ते करण लब्धि की तरफ कदम बढ़ने वाले हैं इसके, और फिर क्या होगा, भूचाल आने वाला है, भूकंप आ जाएगा कर्मों में, छोड़ भागेंगे ऐसे कर्मों के महल गिरेंगे, ये मिथ्यात्व ये गया, ये अनंतान मंदिर उड़ गया, धज्जियां उड़ जाएगी उनकी, ऐसे काम होते हैं। तो ये जो बात है ये कहना चाह रहे हैं, हाँ अवधि ज्ञान मने पर ये ज्ञान जो है ये थोड़े से सूक्ष्मता से बिल्कुल क्लियरिटी है इन ज्ञानों में, ये पुद्गल को देखते हैं, किसी विषय को देखते हैं, किसी विषय को जानते हैं, तो बहुत विशद है ये, विशदम प्रत्यक्ष, विशद ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष ज्ञान, निर्मलता जहाँ है वो प्रत्यक्ष है, इसलिए अवधि मने पर ये को प्रत्यक्ष कहा है। लेकिन तथापि सारी दुनिया एक साथ भूत भविष्य सब कुछ प्रत्यक्ष नहीं होते, सर्वपर्याय प्रत्यक्ष नहीं होती, इसलिए सकल नहीं है, देश प्रत्यक्ष है, आंशिक प्रत्यक्ष है। देखो भाई ये पैराग्राफ ख्याल में आया क्या, देखो वापस देख लो, अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्ट रूप जाने भली भांति जाने वो तो प्रत्यक्ष होगा, और जो भली भांति स्पष्ट नहीं जाने वो परोक्ष होगा। वहां मतियान श्रुति ज्ञान के विषय तो बहुत है, परंतु एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता, क्या करें,
किसी भी विषय को संपूर्ण नहीं जान सकता, इसलिए परोक्ष कहे। और अवधि मन है पर्याय ज्ञान के विषय थोड़े हैं, तथापि अपने विषय को स्पष्ट भली भांति जानता है, इसलिए एक देश प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान सर्व ज्ञेय को स्पष्ट जानता है, इसलिए सर्व प्रत्यक्ष। जानने का भेद है, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ लिखा तो है ऐसा कि केवल ज्ञान सर्व ज्ञेय को स्पष्ट जानता है, लेकिन केवल ज्ञानी अपनी आत्मा को ही जानते हैं क्या? केवल अपनी आत्मा को जानते हैं तो लोकालोक ज्ञान में झलकते हैं। लोकालोक को जानने जाएंगे सर्व ज्ञेय को आप स्वयं ही जानते हैं, किसी की आड़त की जरूरत नहीं है, इसलिए आप शब्द का प्रयोग किया यहां। केवल ज्ञान सर्व ज्ञेय को आप स्पष्ट जानता है, स्पष्ट जान रहे हैं। अच्छा, केवल ज्ञानी भगवान को ये पता है कि नहीं है कि पापड़ी वाल जी आप यहाँ आए हो प्रवचन सुनने के लिए? उनके ज्ञान में झलक रहा हूँ क्या? क्या नहीं झलकेगा उनके ज्ञान में? क्या नहीं? अच्छा बोलो, अबे भैया है या नहीं है यहाँ? ऐसा बिल्कुल कि केवल ज्ञान में सब, केवल ज्ञान से बाहर नहीं निकल सकते ना अपन, तो अपन लोग सब केवल ज्ञान में बैठे? नहीं, केवल ज्ञान में तो नहीं बैठे, केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलक रहे हैं। अच्छा, केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलक रहे हैं। अच्छा, केवल ज्ञानी को पता है इस बात का? तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि केवल ज्ञानी को क्या पड़ी है जानने की कि ठोले वाले आए हैं कि नहीं आए हैं? उनको क्या रस है जानने में? उनको रस है इसको जानने में? रस नहीं है, रस और नहीं होने का क्या सवाल है? ज्ञान का विषय है भाई, झलकन है, झलक रहा है, प्रयोजन नहीं है उनसे कुछ भी। उन्हें इस बात से कोई प्रयोजन नहीं है कि आज संजीव गोदा प्रवचन के लिए पहुंचे जयपुर में है कि नहीं है। किस किस को जानेंगे, किस किस को देखेंगे? इसीलिए वो दौलत राम जी की पंक्तियां, बहुत मार्मिक पंक्तियां, सदा स्मरण रखने योग्य है। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस विहीन, हरिरज रहस विहीन। दौलत राम जी की स्तुति है, उनके द्वारा की गई स्तुति तो भगवान की है, उनकी लिखी है। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सारे लोकालोक के पदार्थ उनके ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन तो भी भगवान तो अपने ज्ञान में है। सारे के ज्ञान में झलकते हुए भी भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान अपने में रहते हैं, उनका उपयोग ज्ञेयों में नहीं है, उनका उपयोग तो अपने ज्ञायक में, चौके में है, अपने चौके में है। आदाणान प्रमाणम नाणम ने प्रमाण उद्दिष्टम ृणेयम लोया लोयम तमहाणम तो सब गयम। आत्मा ज्ञान कहाँ तक जाता है? बोले वहां वहां तक, लोकालोक लोकालोक सब सब सब। अरे क्या सब सब? अपने में है ज्ञान, अपने को छोड़ करके जाता नहीं। प्रवचन सार परिशिष्ट में 47 नयों की चर्चा के अंतर्गत 6 बहुत विशिष्ट नये दिए, जिसमें सर्वगत नये, असर्वगत नये, शून्य नये, अशून्य नये, ज्ञान गे अद्वैत नये, ज्ञान गे द्वैत नये। इन 6 नयों के माध्यम से बहुत सुंदर चर्चा की है, वहाँ जानने की बहुत सुंदर चर्चा की। कैसे जानता है, क्या स्वरूप है? ज्ञान जाता है कि गे आते? ज्ञान ज्ञान में और गे गे में एक ऐसा संबंध है। जब हम ये कहते हैं ना पर से कुछ भी संबंध नहीं, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब क्या बात कर रहे हो आप, पर से कुछ भी संबंध नहीं। माना कि कोई कर्ता कर्म संबंध आदि ऐसे कोई संबंध नहीं होंगे, लेकिन ज्ञान के संबंध तो है, ये तो मानो। मैं जानने वाला और जगत के पदार्थ जानने में आने वाले, ऐसे ज्ञान और ये ज्ञान के संबंध तो है, पर के साथ में मेरा तो पता है क्या कहते हैं। मैं समझाता हूँ, बोलता हूँ, भाई साहब आप किस धोखे में है, इस ज्ञान के संबंध को कोई संबंध नहीं कहते, ये कोई संबंध होता ही नहीं, ये क्या संबंध है? बोलो,
हाँ कुछ नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि नरेंद्र मोदी के साथ में आपका संबंध है या नहीं? कुछ संबंध बहुत कैसा संबंध है? क्या संबंध है आपका और हमारा? बिल्कुल कैसा संबंध है? ज्ञान के संबंध है। वो मेरे ज्ञान के घे है और मैं उनको जानने वाला हूँ, तो तुम्हारे इस संबंध से होगा क्या ये तो बताओ। वो उसमें और ये इसमें और इसमें वो जल का है, इतने से मात्र को संबंध कहते हैं। ये संबंध ठीक इसी प्रकार का है कि आपको पता है वो मोदी जी हमारे घर आए थे क्या? आपको मालूम है नरेंद्र मोदी जी हमारे घर आए थे? नहीं, घर के नीचे तो आए ही थे क्या? वो तो सच्ची बात, वो सच्ची घटना है। तो 3 साल पहले की बात है, 3-3.5 साल पुरानी बात है। नवल किशोर जी जब गुजरात के राज्यपाल जो मरे थे, वो पड़ोस में हमारे नीचे, तो नरेंद्र मोदी आया था, मुख्यमंत्री था उस समय गुजरात का। तो उस समय हमारे घर के नीचे ही गाड़ी खड़ी की थी उसने, हमारी मेरी हमारे घर के नीचे ही, और वहीं उतरा था। तो वो अलग बात है, हम तो कह रहा हूँ हमारी टीवी में रोजाना आता है। क्या क्या तो हमारे यहाँ आता है कि नहीं आता है, झलकता है उसमें। अब उस झलकने को आना कहो कि नहीं कहो, ये बड़ा विचित्र है भाई ये स्वरूप। ये सब बातें ज्ञान गेय के संदर्भ में बहुत मार्मिक बातें कही है यहाँ, ज्ञान गेय के संदर्भ में भी, प्रत्यक्ष परोक्ष के संदर्भ में भी, मति श्रुति आदि मन पर ये केवल ज्ञान, सब ज्ञानों के संदर्भ में हम सब इन बातों को थोड़ा विस्तार से देखेंगे। अभी की बात को तो हम यहीं विराम देते हैं।